अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और सब अच्छे से होंगे। अभी मैं आया हूं आपके सामने एक चैलेंजिंग वीडियो लेके, विस्परिंग चैलेंज करेंगे हम मिस्टर सूरज के साथ। तो आज हमारा कुछ कंटेंट नहीं बन रहा था, मैंने सोचा आप लोगों को भी एंटरटेन कराएंगे और खुद भी एंटरटेन हो जाएंगे और हम रियल में करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने दो चार चैलेंजेस किए हैं, मुझे लगता है 7 months पर है सूरज और मैंने, तब ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे थे, तो अब ठीक ठाक व्यूज आ रहे हैं। तो अभी हम एक विस्परिंग चैलेंज करेंगे मिस्टर सूरज के साथ। तो अभी आप पहले मैं करूंगा, हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, 7-8 मिनट का वीडियो बन जाएगा, है ना सूरज? हाँ, तो ये है ना ये वाला सॉन्ग, तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करके है, तो अब मैं इसको सुना नहीं। एक्चुअली हमारे पास वो बड़े वाले हेडफोन्स नहीं है, तो अब हम लेवल से काम चलाएंगे, लेकिन इनका वॉल्यूम भी बहुत सही है ना। अच्छा, मैंने हेडफोन्स लगा लिए लेकिन अभी सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा है, फिर भी मतलब कम सुनाई दे रहा है मुझे, बहुत कम, क्योंकि इसके पास ये जो ईयरबड्स होते हैं ना, ये पूरा जो ईयर है ना वो बंद करते हैं, तो ईयर जब कानों में नहीं जाएगा तो आवाज कहाँ से आएगी, ठीक है? तो जी गाइस, मैं अभी सॉन्ग को स्टार्ट करता हूँ और हाई बीट वाला सॉन्ग लगा के रखता हूँ और देखते हैं कैसा रहता है इसका रिएक्शन। इससे क्वेश्चंस पूछेंगे, कम ही क्वेश्चन पूछेंगे, 2-4 questions पूछेंगे इससे, देखते हैं कैसा रिएक्शन रहता है। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट, ठीक है? तो इसके साथ मैं अपना ये सॉन्ग प्ले करता हूँ, ठीक है? तो किया मैंने ये सॉन्ग प्ले। तो जी ये हो गया इसमें कनेक्ट, अब सॉन्ग प्ले करते हैं, ठीक है? तो ये सॉन्ग हो गया प्ले, आप सुन रहे हो मेरी बात? हे गाइस, हे, सुन रहे हो मेरी बात? क्या ये, क्या ये, क्या था या चोल चल रहा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन से पूछते हैं कि जी ब्रदर, तो मेरे भाई आप मुझे ये बताओ कि आपने किस क्लास तक पढ़ा है, आपने किस क्लास तक पढ़ा है? क्लास में? हाँ, आपने किस क्लास तक पढ़ा है, किस क्लास तक पढ़ा है? क्लास में पढ़ा है। किस क्लास तक पढ़ा है, किस क्लास तक पढ़ा है आपने? क्लास में पढ़ा है। हाँ ये तो है, किस क्लास में पढ़ा है, किस क्लास में पढ़ा है, किस क्लास? अबे यार, वो किस की बात ही कर रहा हूं मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किस क्लास तक आपने पढ़ा है, किस क्लास में पढ़ा है? तक जेड तक, तक किस क्लास तक पढ़ा है, किस क्लास, कथ क्लास स्थान छिपुर मोताई है, किस क्लास तक पढ़ा है ये बताओ, किस क्लास में पढ़ा है? तो जी ये सुन नहीं पा रहा है, तो इससे हम इसका लेवल बाहर निकालते हैं, फिर बोलते हैं क्या बोल रहा था मैं इसे, ठीक है? तो ये निकली लेवल इसके कान से बाहर, तो पहले क्वेश्चन में फेल हो गया बंदा। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप किस क्लास तक पढ़े हो? मैं बहुत कुछ पढ़ा है वो छोड़ो, लेकिन मैंने बोला ना, मुझे लग रहा था आप बता रही हो आप किस क्लास में हो, ये नहीं था। नहीं, तो फिर से आप, लेट्स ट्राई अगेन। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछूंगा, ठीक है? आप YouTube पर क्यों आए? कौन आया? आप YouTube पर क्यों आए? आप YouTube पर क्यों आए मेरे भाई? तुमने YouTube ज्वाइन क्यों किया ये बताओ। तुम्हारे भाई ने YouTube ज्वाइन किया? नहीं, मेरे भाई ने। तुमने YouTube ज्वाइन क्यों किया? तुमने YouTube ज्वाइन क्यों किया? ज्वाइन क्यों किया? समझ में आ गया। यस यस यस। तो इस क्वेश्चन में पास है, 2 questions हो गए, 4 questions हो गए टोटल। कहाँ 4 questions हो गए, अभी तो 2 ही पूछे। 2 हो गए। अब जल्दी जल्दी से पूछ, वीडियो लंबा हो जाएगा। कर प्ले कर। हो गया स्टार्ट। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछूंगा कि अभी जो इदरीस भैया है वो ड्रीम राइड पे चले गए हैं, ड्रीम लैंड जाना है। इदरीस भैया ड्रीम राइड पर चले गए, इदरीस मीर ड्रीम लैंड जाना, इदरीस मीर ड्रीम लैंड गया है, इदरीस मीर की ड्रीम राइड चल रही है, ड्रीम लैंड में चल रही है, ड्रीम लैंड में चल रही है। नहीं, तुझे ड्रीम लैंड जाना है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इदरीस मीर की ड्रीम राइड चल रही है, इदरीस मीर ड्रीम लैंड जा रहा है। फिर से क्वेश्चन में फेल हो गया बंदा, एक और ट्राई देते हैं इसको, ठीक है? तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि इदरीस मीर की ड्रीम राइड चल रही है, ड्रीम लैंड जा रही है। तो ये क्वेश्चन भी इससे नहीं हो पाया, फिर से इसका ईयरबड बाहर निकालना पड़ेगा, तो भी ये सुनेगा, ठीक है? तो बाहर निकालते हैं। मैं आपको बोल रहा था इदरीस भैया की ड्रीम राइड चल रही है,
बस 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 तुझे ड्रीम लैंड जाना है ड्रीम बोस है मैं तुझे मैंने ड्रीम सुना ना मुझे ड्रीम लैंड का वो सारा कुछ माइंड में आया तो वो मैंने रिवाइज किया फिर से चल एक नया क्वेश्चन पूछ जल्दी से अब लास्ट क्वेश्चन होगा इसके साथ फिर मेरे साथ क्वेश्चन सुन ओके तो वनिटक्स कहाँ है अभी वनिटक्स कहाँ पे है अभी वनिटक्स कहाँ पे है अभी वनिटक्स कहाँ पे है अभी वनिटक्स है हाँ वनिटक्स है वो कहाँ पर है अभी क्या है वनिटक्स कहाँ पे है वनिटक्स हाँ वनिटक्स वो कहाँ पे है अभी एक और चांस देते हैं इस बंदे को ठीक है तो देखते हैं अगर निकला तो निकला नहीं तो फिर से एयरपोर्ट बाहर निकालने पड़ेंगे इसने तीन चैलेंज हारे ठीक है एक क्वेश्चन का सही रहा तो देखते हैं तो भाई वनिटक्स कहाँ पे है अभी तो भाई सॉरी मैं आपसे ये पूछ रहा था कि वनिटक्स कहाँ पे है अभी मैं क्या भाई मुझे क्यों पूछ रहा था आपको ये बोलना था कि जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको रिपीट करना था आपको ये नहीं बोलना था कि वो कहाँ पे है चल तो आपने तीन क्वेश्चन का सही आंसर दिया तीन क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर्स दिए मेरी बात सुनो पहले ये जो बर्ड है ना एयर बर्ड ये एयर भी नहीं छोड़ता कानून में अल्लाह की कसम जब मैं गाड़ी के साथ था ना तो ये यूज करता था फिर कानों में इतना दर्द होता है बहुत ज्यादा दर्द होता है क्योंकि अंदर तो वो वाली यूज करने वाला है कर वही वाली चल तो हाँ जी अभी मैं इनको क्वेश्चंस पूछूंगा सुरेश साहब को तो ये आंसर देने वाले हैं खतरनाक सॉन्ग प्ले करने वाला हूँ इसके कान फटने चाहिए जल्दी 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 हो गया प्ले हो गया हाँ हो गया प्ले मैं इसको बता रहा हूँ प्ले हो गया तो अभी मैं क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इसको मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रिपीट मुझे समझ में नहीं आया क्या बोलो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुत मस्तानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया चलिया क्या बोल रहे हो तुम मेरी मस्तानी कब आएगी चलिया तू कभी नहीं आएगी मेरी मस्तानी ओ सपनों की रानी मस्तानी कहां से आ गया वो इन्हें ड्रीम गर्ल झांसी की रानी अच्छा सपनों की रानी यस गुड गुड सपनों की रानी कब आएगी तू ये पूरा सॉन्ग ये पूरा सॉन्ग रिपीट करो वही मैं बता रहा हूं सपनों की रानी कब आएगी तो वही रिपीट करो सपनों की रानी नहीं हो पाएगा इतना नया क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ छोड़ इसको यार ये सही क्वेश्चन नहीं था लेट इट बी मम्मी ये दम गोम हॉट असी मम्मी ये दम गोम हॉट असी मम्मी ये गम छो दम गोम दम सफोकेशन मम्मी ये गम छो दम छो मैं यस ओके शी टॉन्सिल्स मा शी ये नहीं मतलब दम सफोकेशन मम्मी गम छो ये क्या बोल रहे थे अब ये इसका कुछ कनेक्शन नहीं है इसका कुछ कनेक्शन नहीं है इसके साथ मैं बता रहा हूं मम्मी ये दम गुम हार्ट हार्ट असी हार्ट विद फोर चैम्बर्स ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स मम्मी ये इनफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा मम्मी ये दम गुम हार्ट असर ये वो कश्मीरी सॉन्ग है यस 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 जो भी कश्मीर के लीडर्स ने गाया था और बुक्स ने रोस्ट किया था उसको हाँ सही हाँ इससे समझ आया मुझे क्या बगस बोन गस चकस एक बोन चकस एक बोन अल्लाह की कसम मैं यही रिपीट कर रहा था चकस एक बोन चकस एक बोन ये मैंने आपको बोला मुझे स्लो में जो भी लिप सिंक करोगे मुझे समझ आती है चकस एक बोन चकस एक बोन मैं जोर से बोलूंगा ठीक है आज बच्चों को स्कूल जाना था आज बच्चों को स्कूल जाना था हाँ मेरा गाना आ रहा है इसका गाना आ रहा है फिर से आज बच्चों को स्कूल जाना था स्कूल वहां पे क्या बैंक पे जाना था बैंक पे नमाज पढ़ने जाना था
नहीं आप ऐसे बोल रहे ना बच्चों को, बच्चों हाँ बच्चों को आया मुझे समझ, क्या बच्चों को स्कूल जाना था आज, बच्चों को स्कूल जाना था, बच्चों को गाना गाने जाना था और स्कूल जाना था, स्कूल 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 चले हम, क्या इधर इधर से चले, इधर से नहीं चले, वहां से चले स्कूल है कौन भलाई में थे यार। आप मुझे एक काम करो, आप देर से बताओ, मतलब ये भी नहीं सुनना चाहिए, सुनूंगा वो आज बच्चों बच्चों को स्कूल जाना था। यस वाह, जो मैं किसको बता रहा हूँ, ये बह रहा है ऑलरेडी, पता है सूरज अभी किस में काम आता, जो बहरे होते हैं ना जिनको सुनाई नहीं देता, उनके लिए एक न्यूज आती है, वो फिर ऐसे ऐसे करते हैं उनको, उनको फिर वैसे समझ आता है ये क्या है ऐसे वैसे। अभी तेरे अभी तुझे समझा दूंगा मैं, तो ये उसी को लगेगा। बाकी मुझे लगता है मुझे लगता है वीडियो को हम यही पे एड करेंगे। ये क्या बोल रहा था मुझे, मतलब वीडियो में देख बता, वीडियो में देख रहा है। इसके लिए जॉब आई है तो कमेंट्स में बताना इसके लिए क्या जवाब है, ठीक है, वो मैंने बताया अभी, तो फिर सब बताना कमेंट्स में सूरज के लिए क्या जवाब है, तो फिर देख लेना वीडियो में, फिर कमेंट शेयर करना, तो जॉब आई है तेरे को, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम वीडियो को यही एंड करते हैं, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह ने के बान फीमानिल्ला, बाय बाय।